नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 53 है। इससे पहले 52 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे। TGT कला आप जानते हैं 148 पदों पर भर्ती है। बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं भर्ती कैंसिल हो गई, हाई कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मामला कैंसिल होगा, मानदेय पर रखा जाएगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल और केवल तैयारी से भटकाने के लिए ये सब जो है प्रकरण चल रहा है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। लास्ट में जब सिलेक्शन होगा तो वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाई कोर्ट कौन गया था, धरना कौन दिया था और जो है सुप्रीम कोर्ट कौन देखा था। तो आपको केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। अगर कोई बड़ी अपडेट होती है आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, उस पर कोई डाउट्स नहीं है। फिलहाल हम लोग आज के इस वीडियो में टेस्ट पेपर 53 देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पेपर 53 का जो पहला क्वेश्चन लिया गया बेटा, बहुत ही मारू क्वेश्चन लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया गया। कहा जा रहा है जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। तो ईसा से कितने वर्ष पूर्व का चित्रण जोगीमारा में मिल जाता है बेटा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस दिया गया है 300 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व या फिर 270 ईसा पूर्व। आप जानते हैं जोगीमारा गुफा वही सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट होता है, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे जो है 300 ईसा पूर्व का डाटा मिल रहा है, 300 ईसा पूर्व के चित्रण मिल रहे हैं। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंध रखते हैं। अजंता के चित्र और मूर्ति कौन से धर्म से संबंध रखते हैं बेटा? ऑप्शंस में दिया गया जैन धर्म, शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म या फिर बौद्ध धर्म। बड़ा अजंता गुफा पूछी जा रही है। अजंता आप जानते हैं पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा जाता है कि भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई है। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ होती है, ये क्वेश्चन है बेटा। ऑप्शंस दिए गए इसके लिए अजंता से, वैदिक काल से, बौद्ध धर्म से या फिर जोगीमारा से। बड़ा भित्ति चित्रण की जो परंपरा है वो मूल रूप से जोगीमारा गुफा से ही स्टार्ट होती है। आप जानते हैं जोगीमारा में एक डाटा और मिलता है, एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला भी स्थित है जिसे हम लोग सीता वेगड़ा के नाम से जानते हैं, वो भी मूल रूप से कहाँ पर स्थित है, जोगीमारा में ही स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा जाता है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित थे। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित थे, जैन से, बौद्ध से, यशु मसीह से या फिर जो है महावीर से। तो बड़ा अजंता के चित्र जो है ज़्यादातर आप जानते होंगे कौन सा धर्म देखते हैं, बौद्ध धर्म, क्योंकि अजंता अभी जस्ट हमने देखा था और भगवान बुद्ध से संबंधित था, यानी बौद्ध धर्म वहाँ पर राइट आंसर बना था। तो यहाँ भी मूल रूप से इसके चित्र किसके जीवन पे, बुद्ध के जीवन पे ज़्यादातर आधारित रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में है। अजंता की गुफाओं में 1000 बुद्ध किस गुफा संख्या में चित्रित है। गुफा संख्या 19 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 27 में या गुफा संख्या 18 में। बड़ा 1000 बुद्ध, 1000 बुद्ध को दर्शाने का जो प्रयास किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, गुफा संख्या 2 में किया गया है। गुफा संख्या 2 जहाँ पर आप देखते होंगे सर्वनाथ, सर्वनाश बहुत बार पूछा कि गुफा संख्या 2 में ही है सर्वनाश बेटा। सर्वनाश, सर्वनाश, सर्वनाश का चित्रण कहाँ पे है, तो सर्वनाश भी मूल रूप से कहाँ पे है, गुफा संख्या 2 में ही है। माया देवी है, महाहंस जातक भी यहीं पे है। महाहंस जातक बहुत कंफ्यूज करता है, हंस जातक, महाहंस जातक कहाँ पे है, गुफा संख्या 2 में ही है। अच्छा, विदुर पंडित हैं, जातक कथाएँ हैं, झूलती हुई राजकुमारी, झूलती हुई राजकुमारी कहाँ पे है, तो ये भी मूल रूप से गुफा संख्या 2 में ही है बेटा, याद रखना होगा। बुद्ध जन्म हो गया, बुद्ध जन्म हो गया, बुद्ध के 7 कदम हो गया, 1000 बुद्ध हो गए। अच्छा, इंद्रलोक पूछा गया क्वेश्चन है, इंद्रलोक, इंद्रलोक कहाँ पे चित्रित है, ये भी मूल रूप से अजंता में ही चित्रित है, अजंता में ही चित्रित है, इंद्रलोक हो गया। श्रावस्ती का चमत्कार हो गया, ये भी गुफा संख्या 2 में ही चित्रित है। श्रावस्ती का चमत्कार यही बलरामपुर गोंडा वाला श्रावस्ती बड़ा, इसका भी चित्रण है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे गुफा संख्या 2 में ही पाए जाएंगे, आप अजंता जा करके देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया
पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? नेपाल की है, उड़ीसा की है, बंगाल की है, बिहार की है? आप जानते हैं पाल शैली कहाँ पनपती है बेटा? तो गोपाल शासक बनता है। पाल शैली मूल रूप से दीदी की नगरी बंगाल में पनपती है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक। विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है बेटा? हिंदी में, पाली में, अपभ्रंश में, संस्कृत में? बेटा विनय पिटक किस भाषा में लिखा जाएगा? तो आप जानते होंगे पाली भाषा में लिखा जाएगा विनय पिटक। अच्छा, विनय पिटक अगर पाली भाषा में लिखा गया तो कब लिखा गया? तो ये 400 से 300 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया, विनय पिटक लिखा गया। आप जानते हैं विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा गया है कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पाल शैली, जैन शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली? बेटा कल्पसूत्र ग्रंथों को चित्रित करने का काम कौन सी शैली में हुआ है? जैन शैली में हुआ है। जैन शैली यानी सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। जैन शैली इज़ द राइट आंसर। आप जानते होंगे आनंद कुमार स्वामी ने 1924 ईस्वी में एक काम किया। क्या काम किया? एक म्यूजियम है बर्लिन में, बर्लिन में इसे सुरक्षित रखवा दिया। कल्पसूत्र का, कल्पसूत्र का एक चित्र जो है आनंद कुमार स्वामी, आनंद कोटेश कुमार स्वामी, कल्पसूत्र का एक चित्रण ले जाते हैं बर्लिन संग्रहालय में, सुरक्षित रखवा देते हैं। कब? 1924 में। याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, जैन शैली बेटा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ रखी हुई है? बेटा इसका राइट आंसर अपना उत्तर प्रदेश का एक जिला बनता है, जिसे जो है भारत का क्या कहा जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, भारत का क्या कहा जाता है? सिराज ए हिंद, अयोध्या, गुजरात, जौनपुर, इनमें से सभी। बेटा कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जो मानी जाती है वो जौनपुर में रखी हुई है, हुसैन शाह सरकी वाला जौनपुर, ठीक है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, जौनपुर। कल्पसूत्र का पहला चित्रण जो है गुजरात में हुआ था, आप जानते होंगे, लेकिन जो सबसे अच्छा चित्रण है वो गुजरात नहीं, जौनपुर में रखा हुआ है। और जो जौनपुर वाला था इसे अब उठा के गुजराती ले गए और वहाँ पर अब रखा हुआ है, फिर गुजरात में पहुँच गया है, वर्तमान में बड़ौदा में मूल रूप से अब रखा हुआ है, बड़ौदा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मुगल राज दरबार का महिला चित्रकार था? मुगल राज दरबार का महिला चित्रकार कौन था बेटा? रजिया बेगम, साइफा बानो, नूरजहां या फिर तलत? बेटा मुगल राज का पूछा जा रहा है। मुगल, आप जानते होंगे मुगल शैली स्टैब्लिश किसने की थी? अकबर ने की थी। अच्छा, मुगल साम्राज्य किसने स्थापित किया था? बाबर ने किया था। मुगल चित्रकला किसके काल में स्वर्ण काल पे पहुंचती है? जहांगीर के काल में। स्थापत्य कला स्वर्ण काल में किसके काल में पहुंचता है? तो आप जानते हैं शाहजहां के। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? ऑप्शन है रजिया बेगम, साइफा बानो, नूरजहां और तलत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, अगर घुमा के पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछ पाएगा। और आप जानते होंगे मंसूर जिसके काल का अच्छा चितेरा था उसी के काल की ये महिला चित्रकार भी है, यानी जहांगीर के काल की है। जहांगीर के काल में चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है, तो वहां पे पुरुष और महिलाएं दोनों चित्रकारी करती हैं। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? साइफा बानो बनेगा। नाम याद रखना, साइफा बानो जहांगीर के काल की हैं। साइफा बानो के साथ नादिरा बानो भी आती हैं। राइट आंसर नादिरा बानो, नादिरा बानो भी आप लिख लीजिएगा बेटा। साइफा बानो आपने लिख ही लिया है। रुकइम बानो, रुकइम बानो, रुक एम बानो, रुकइम बानो भी किसके दरबार की हैं? जहांगीर के काल की महिला चितेरा हैं। याद रखना है, चाहे मुगल काल कहे चाहे जहांगीर काल कहे, राइट आंसर यही बनेंगी। तो नादिरा बानो, साइफा बानो और रुकइम बानो मूल रूप से किसके काल की अच्छी चितेरे हैं, महिला चित्रकार हैं? तो ये मूल रूप से जहांगीर के काल की अच्छी चितेरी मानी जाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, इससे डीप नहीं पूछ पाएगा, ठीक है। मुगल सलीम इससे डीप नहीं पूछ पाएगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा जाता है किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्रण बनाए? किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्रण बनाए? ऑप्शंस में है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। बेटा दरबार किसका रहा है? अबुल हसन ने जब ईसाई विषयों का चित्र बनाया तो किसका दरबार था ये बताना था। तो जिसके काल में आप जानते हैं चित्रकला स्वर्ण काल पर पहुंचती है उसी के दरबार में बनाते हैं, यानी जहांगीर राइट आंसर बनेंगे। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में मंसूर भी रहता था। आप जानते होंगे मंसूर और मनोहर जहांगीर के काल के अच्छे चितेरे हैं। मंसूर उस्ताद मंसूर, बाजपक्षी चित्रण, मोर मोरनी चित्रण, और मनोहर, मनोहर भी अच्छा चितेरा रहा है। किसके दरबार का है? तो यह भी मूल रूप से जहांगीर के काल का अच्छा चितेरा रहा है। राइट आंसर एक के साथ बन रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, एक भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो ये आप जो है गलती कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, जो एक्स्ट्रा डाटा बताया जाता है उसे नोट डाउन कर रहे होंगे।
प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं, ऋतु से, पशु पक्षी से, संगीत से या फिर प्रकृति से। बेटा बारहमासा का जो चित्रण है आप देखेंगे कि ऋतुओं से संबंधित का होता है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ऋतु इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था कहाँ पे था। बेटा अकबर ने जो आर्ट स्टूडियो एस्टेब्लिश करवाया वो कहाँ पे था, दिल्ली में था, जयपुर में था, फतेहपुर सीकरी में था या फिर आगरा में था। तो अकबर का जो आर्ट स्टूडियो है बेटा वो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। अच्छा फतेहपुर सीकरी में जब अकबर आर्ट स्टूडियो एस्टेब्लिश करवाएगा तो वहाँ किसी को रखेगा भी। तो आप जानते होंगे फतेहपुर सीकरी में इसका अध्यक्ष जो बनवाया जाता है अबू समद सिराजी को बनवाया जाता है। अब्दुल समद सिराजी कहीं अबू समद सिराजी लिखा रहता है बेटा, अबू समद सिराजी, अबू समद सिराजी को बनाया जाता है फतेहपुर सीकरी वाले आर्ट स्टूडियो में अध्यक्ष, और अकबर के काल में बनाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है बेटा, अमीर हमजा, नल दमन, चंगेज़नामा या फिर अय्यार ए दानिश। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद कहलाता है बेटा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अय्यार ए दानिश या फिर अय्यार ए दानिश। अय्यार ए दानिश कब लिखा गया, तो बेटा ये अकबर का काल रहेगा तभी लिखा जाएगा। अकबर एक बार ये भी क्वेश्चन बना है अनपढ़ राजा कौन था। बेटा राइट आंसर अकबर बने थे। ठीक है, तो अकबर अनपढ़ राजा भी था और मूल रूप से महान भी था। बहुत सारे काम करवाए, बहुत सारे जो है इसने स्थापत्य के काम किए, चित्रकला के क्षेत्र में भी काम किया, इसीलिए बार बार क्वेश्चंस बनता रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में कहा जाता है जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम बताइए। बेटा बंगाल शैली के चित्रों का ज़्यादा विस्तार किसने किया है उसका नाम बता देना है। डॉक्टर आनंद कैटेश कुमार स्वामी, देवी प्रसाद राय चौधरी, केशव मलिक या फिर मुल्कराज आनंद। आप देखेंगे बंगाल शैली के समीक्षक रहे हैं, उन्होंने खूब ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया है, उनका नाम आपको बताना था। ऑप्शंस में बहुत सारे नाम हैं लेकिन श्रीलंका वाले, कोलंबो वाले यानी आनंद कोटेश कुमार स्वामी राइट आंसर बनेंगे। आनंद कोटेश कुमार स्वामी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। आनंद कोटेश कुमार स्वामी का जन्म आपको याद रखना होगा बेटा 1877 ईस्वी में होता है। कहाँ पे, 1877 में कोलंबो में होता है। कोलंबो कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में पड़ता है बेटा, याद रखना है। 22 अगस्त का दिन होता है, 22 अगस्त का दिन होता है। आनंद कोटेश कुमार स्वामी का जन्म 1877 में हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहे जाते हैं। बेटा बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर जान गए होंगे, जो लोग प्रीवियस में पढ़े हैं वो तो जानते ही हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको भी पता चल गया होगा। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहे जाते हैं। ऑप्शंस में है ईवी हेवले, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। बेटा भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पितामह जो कहे जाते हैं उनका नाम है अवनी बाबू, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या बन रहा है बेटा, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। 7 अगस्त 1871 को इनका जन्म होता है। 7 अगस्त 1871 को जोरा साको बंगाल में इनका जन्म होता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहे हैं, बंगाल शैली के जन्मदाता हैं, इतना पर्याप्त है इनके लिए। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया है भारत शिल्प के षडांग पुस्तक को किसने लिखा है। भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक को किसने लिखा है। ऑप्शंस में है यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, सीताकांत महापात्रा या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। बेटा भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक को लिखने का काम किसका रहा है, तो आप देखेंगे अवनी बाबू ने ही इसे लिखा था। अवनी बाबू ही राइट आंसर बनेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर। बहुत सारे लोग यशोधर पंडित को ढूंढ रहे होंगे जो कि गलत आंसर हो जाएगा बेटा, यशोधर पंडित यहाँ पर राइट आंसर नहीं बन पाएंगे। याद रखना है अवनी बाबू राइट आंसर बनेंगे, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में कहा गया है जूट माध्यम से मूर्ति कला के प्रयोग कौन किया करता था। जूट माध्यम से मूर्ति का प्रयोग कौन करता था। ऑप्शंस में है मृणालिनी मुखर्जी, गोगी सरोज पाल, मीरा मुखर्जी या फिर अंजलि इला मेनन। जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग कौन किया करता था बेटा, मृणालिनी मुखर्जी राइट आंसर बनेंगी। ए इज द राइट आंसर, मृणालिनी मुखर्जी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण करवाया था। शहीद स्मृति का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शंस में है प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर भेज, डीपी राय चौधरी या फिर धनराज भगत। बेटा शहीद स्मृति को बनाने का काम किसका रहा है, तो शहीद स्मृति
आप जानते होंगे, देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है। डीपी राय चौधरी राइट आंसर बनेंगे, यानी बी इज द राइट आंसर। बहुत बार इनका एक प्रश्न पड़ा है, इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो रंगपुर में होता है बेटा। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर बांग्लादेश में है, रंगपुर। रंगपुर में इनका जन्म होता है, कब होता है? 1899 में, ठीक है। डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी किसके चेले हैं बेटा? आउनी बाबू के चेले हैं, ये भी याद रखना होगा। बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान स्थापित किया गया था या कहाँ पे है बेटा? तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? नोएडा में, मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में। राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा बेटा? भारत सरकार एस्टेब्लिश करवाएगी, 1961 में एस्टेब्लिश होता है, ये आपको याद रखना है बेटा। कहाँ पे होगा? तो उसे पुंडे के नाम से हम लोग जानते हैं, पुंडे यानी मुंबई वाला बेल्ट होता है, लेकिन भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में स्थित है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। कुल मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चंस यहां पे सही गए, कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपना जो है स्व मूल्यांकन करते होंगे और उसी विधि के अनुसार अपना आंसर्स देते होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।